गुरनाम सिंह जी, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, आज जो रैली सिरसा में हो रही है, बहुत सारे किसान अलग अलग गांव से आए हुए हैं, इसके अंदर भी जो बार बार सरकार कह दे रही है कि विपक्ष का हाथ है, क्या लगता है इसको कैसे टैकल करेंगे? देखिए, बीजेपी की हालत जो है वो खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे जैसी बात हो रही है। उनके पास कुछ शब्द कहने के लिए है नहीं। वो हरियाणा में कहते हैं जी कांग्रेस उठा रही है, कांग्रेस उठा रही है। मैं ये पूछता हूँ कि कनाडा में भी कांग्रेस है क्या? अमेरिका में प्रदर्शन हुआ वहाँ भी कांग्रेस है क्या? राजस्थान में प्रदर्शन हुआ, कर्नाटक में प्रदर्शन हुआ, यूपी में प्रदर्शन हुआ, पंजाब में, ये सभी जगह कांग्रेस है क्या? और देश की जनता की बात को अनदेखी करना। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये सारी पार्टियां कब आई? जब पीपली में हमारे सिर फुटे, जब पीपली में किसानों को लाठियां लगी, सिर फुटे, उसके बाद राजनीतिक पार्टियां मैदान में आई। उसके पहले हमें किसने मिसगाइड कर दिया? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इन्होंने अपना पूरा प्रचार, सरकार के सारे संसाधन, सरकार के प्रशासन, सरकार के नेता, वो सारे इस बात पे लगे हुए कि किसानों को रोका जाए, किसानों के एंटी प्रचार किया जाए। उसके बावजूद भी अगर आंदोलन बढ़ता जा रहा है तो ये बीजेपी को समझना चाहिए, और ये लोकतंत्र की हत्या है। जब मजदूर से लेके व्यापारी तक आंदोलन में है, और अपोजिशन आंदोलन पे है, और राज्यसभा में इनका बहुमत पूरा नहीं था, उसके बावजूद कानून बना देना, ये लोकतंत्र की हत्या है। एक और सर, जैसे आपने पीपली का जिक्र किया, वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था, सबने देखा था, लेकिन जो गृह मंत्री है वो मना करके कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बाद में लिपापोती कर रहे थे, बाद में कह रहे थे हम जांच करवाएंगे इसकी, इस बारे में क्या कहेंगे? जो सरकार सब कुछ सामने देख के भी नजर उठा लेती है, झूठ बोल देती है कि नहीं हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? यही खासियत है बीजेपी की, ये मंत्री जो है, ये अकल का अंधा तो पहले से ही है, अब आंखों का भी अंधा हो गया है। जो सरेआम वीडियो देख रहा है, सिर फुटे देख रहा है, पुलिस को लठ मारते देख रहा है, हड्डियां टूटी देख रहा है, उसके बावजूद भी अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो ये कह रहे कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, फिर जो इतने इतने मोटे लठ जिन्होंने सिरों में मारे उन पर मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए था। बड़ौदा जो चुनाव होगा सर, उसमें किस तरीके से असर डालेगा किसान आंदोलन? देखिए, अभी तक हमने उस पर कोई राय नहीं बनाई है, लेकिन मैं ये बड़ौदा के लोगों को ये राय देना चाहूँगा कि उनको सबको पंचायत कर लेनी चाहिए और पंचायती उम्मीदवार खड़ा कर देना चाहिए, सब पार्टियों का बहिष्कार कर दें। मतलब जो अभी तक जितनी पार्टी है, कभी कांग्रेस आके कह देती है मैं किसान के साथ हूँ, कभी जेजेपी कहती है, बीजेपी कहती है, इनेलो कहती है, इन सबको दरकिनार करके अपने बीच से कोई एक नेता चुने। देखिए, हमारा चुनाव सिस्टम ही गंदा है। हमारा जो चुनाव सिस्टम है वो पार्टी टिकट देती है तो एमएलए बनता है, जब पार्टी टिकट देती है एमएलए बनता है तो वो पार्टी का गुलाम होता है, वो जनता का उम्मीदवार नहीं है, वो पार्टी का उम्मीदवार है, और जब पार्टी का उम्मीदवार है तो पार्टी की बात करेगा। हम कहते हैं उम्मीदवार जनता का होना चाहिए, केवल मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का, इनका चुनाव सीधा हो, और बाकी बिना पार्टी के होना चाहिए, जो अच्छा कैंडिडेट हो निकल के सामने आ जाए। तो सर, आज जैसे कि अभी यहाँ पे ग्राउंड के बाद में दुष्यंत चौटाला घर का घेराव करने वाले हैं, पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा का इंतजाम है, क्या करेंगे सर उस हालत में? चलिए, वो तो सरकार का काम है करना, हमारा अपना काम है प्रदर्शन करना, उनका अपना काम है इंतजाम करना, लेकिन हम प्रदर्शन करेंगे, उनका घेराव करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर। हम सब यहाँ पे जान रहे हैं कि बिलों के अंदर क्या कमी है, उसके बारे में बात ना करके मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से हमने अभी थोड़े दिन पहले जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट देखा था, सारे के सारे वहाँ पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आ गई थी, अपना अपना बैनर लेके, बिना किसी डर के कि उनको देशद्रोही कहलाया जाएगा या कुछ और। आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन में बड़ी मात्रा में अगर स्टूडेंट उतरे तो कि सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और किसानों को ज्यादा मजबूती मिलेगी? देखिए, इस बात को समझें, ये जो आंदोलन कर रखा है ना, ये सरकार के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कर रखा है, क्योंकि सरकार ने जबरदस्ती बिल बनाए हैं, और अब किसान के पास कोई रास्ता भी नहीं बचा है। किसान बिल तो बढ़ चुके हैं, अब किसान के पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो सरकार वो बिल वापस ले हुए, या सरकार को किसान गिरा हुआ, या सरकार लड़के मरे, इसके अलावा कोई रास्ता सरकार ने छोड़ा नहीं। इसलिए क्या तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट नहीं, हमारे तो आगे आने वाले टाइम में अब हमारी माता, हमारी बहनें, और जो 6-6 साल के हमारे जो बच्चे हैं वो भी इस आंदोलन में शामिल होंगे पंजाब की तरह, और पूरा हरियाणा का बच्चा बच्चा, किसान, मजदूर, आड़ती, सारे इस आंदोलन को लड़ेंगे। अगर बीजेपी ने इनकी मांगों को नहीं माना, किसानों की मांगों को नहीं माना, तो बीजेपी के साथ आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि ज्ञापन देने, प्रदर्शन करने में सारे काम हो चुके हैं। सरकार रोड़ा पर जब किसान बैठे थे उस टाइम पर लोकसभा में, राज्यसभा में पास करवा दिया, तो अभी तो लड़ाई आर पार की। सर,
एक और सवाल कि इस रैली में हम जैसे देख रहे हैं दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह का ही नाम लिया जा रहा है, ये दो ही नेता को क्यों टारगेट कर रहे हैं उनकी कुर्सी छुड़वाने के लिए? इसमें दो बातें समझने की हैं। पहली बात तो ये है कि दोनों के दोनों सरकार में है और सरकार की सबसे कमजोर कड़ी है। रणजीत चौटाला तो निर्दलीय बनया है और जो वो जेजेपी वाला भाई उसके पास 10 सीट है, अगर वह अपना समर्थन वापस ले ले तो बीजेपी सरकार जो है गिर जाएगी हरियाणा में, और हरियाणा में बीजेपी सरकार गिरेगी तो उसका केंद्र सरकार के ऊपर भारी दबाव पड़ेगा जिसके लिए केंद्र सरकार मजबूर होगी। दूसरा कारण ये है कि जो रणजीत चौटाला और जो दुष्यंत चौटाला है देवीलाल परिवार से संबंध रखते हैं और किसानों ने देवीलाल परिवार की 4 पीढ़ियों को MLA मंत्री और मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री तक प्रधानमंत्री तक बनाया है, इसलिए किसानों को उनसे ज़्यादा उम्मीद थी। लेकिन लाठीचार्ज के बाद भी ना रणजीत सिंह चौटाला कुछ बोला ना दुष्यंत चौटाला कुछ बोला, इसलिए किसानों का विशेष तौर पर इनसे रोष है, गुस्सा है। ये जो आप भीड़ के रूप में देख रहे हो कि भाई आपको तो हमने वोट दे के बनाया है, खट्टर को हम किसान नेता नहीं मानते, वो तो RSS का एक आदमी है, उनको बना दिया, उसको नहीं पता किसान ने क्या हुआ, लेकिन ये तो किसान के घर में पैदा हुए और किसान के नाम पर राजनीति करें, इसीलिए हमने इनको पहली चोट इनके ऊपर मारी। आज जैसे आप दुष्यंत चौटाला के घर का घेराव करेंगे, उसके बाद ये आंदोलन कहाँ जाएगा सर? अगला जो प्लान है रैली करने का कहाँ पे रहेगा? अभी तो यहाँ है, ये जो कमेटी डिसाइड करेगी। जहाँ तक ये मन से आवाज आ रही है कि यहाँ परमानेंट बादल के घर की तरह परमानेंट किसान बैठेंगे, जब तक वो दुष्यंत चौटाला घर के अंदर तक बाहर लेकर के इन किसानों ने आश्वासन नहीं दे दे, या तो इस्तीफा देने का या जो है बिल वापस लेने का। जो अलग अलग सेलिब्रिटी यहाँ पे साथ देने के लिए आए हैं, हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं, क्या लगता है सर इससे कितना असर होने वाला आंदोलन में? इससे बहुत बड़ा असर होगा, जैसे पंजाब के सारे गायक आ रहे हैं और हरियाणा के भी KD भाई आ नहीं पाए, उसकी हुआ थी शूटिंग, समर्थन दे रहे हैं वो भी। हाँ लेकिन हाँ समर्थन उनका खुला वीडियो के साथ, मेरे साथ वीडियो भेजी थी, सारे जो सारे हरियाणा कलाकार हैं और आप पत्रकार छायाकार बंधु भी, जो भी किसान का पैदा किया हुआ अन्न खाता है, जो मजदूर है, किसान के बेटे हैं, वो कलाकार बाद में किसान पहले, इसलिए वो सारे समर्थन जो है किसान की इस लड़ाई को दे रहे हैं, इसका बहुत बड़ा फायदा किसान की लड़ाई को होने वाला है।